हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में क्लास फिफ्थ पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड हिंदी प्रथम भाषा का चैप्टर नंबर 19वां रेत और पत्थर, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर के जो पूछे गए हैं प्रश्न उत्तर, उसके भी हम आंसर इस चैप्टर में करेंगे। सो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा पार्ट 19 रेत और पत्थर, जिसका टाइटल है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उस क्षति को मत याद रखो जो किसी ने तुम्हें पहुंचाई हो, उस कार्य को भूल जाओ जो आपने किसी के लिए किया था। मीन्स क्षति का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमें कभी भी उस चोट को याद नहीं रहना चाहिए, उस नुकसान को याद नहीं रखना चाहिए जो कि किसी ने तुम्हें, जो कि किसी के द्वारा तुम्हारे पे की गई हो। उस कार्य को, अगर आपने किसी के लिए कोई कार्य किया है, कोई काम किया, कोई अच्छा काम किया, उस काम को करने के बाद आपको भूल जाना चाहिए। मीन्स बार बार आपको ये याद, उस पर्सन को भी याद नहीं करवाना चाहिए कि मैंने तेरे लिए काम किया है। दूसरों को भी नहीं बतलाना चाहिए कि मैंने उस पर्सन के लिए ये काम किया। ठीक है, अब है, अब आपका ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। दो दोस्त समुद्र के किनारे पर टहल रहे थे। दो दोस्त होते हैं जो कि समुद्र के किनारे टहल रहे थे, घूम रहे थे। टहलते टहलते किसी बात पर दोनों में क्या हो जाती, लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है। नौबत मीन्स स्थिति यहाँ तक पहुँच जाती है कि वो एक दूसरे के गाल पर कस कर चांटा मार देते हैं। जिसे चांट लगा उसे गहरा आहत हुआ। पर जिस मतलब कि इसमें क्या होता है, लड़ाई में एक ने दूसरे के गले पे चाट मतलब कि जोर से थप्पड़ मार देता है, और जिस पे जिसके मुंह पे थप्पड़ लगता है उसको बहुत ही ज़्यादा चोट लगती है। यहाँ पे हम फिजिकल चोट की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम दिल की चोट की बात कर रहे हैं। पर मुंह से वो एक शब्द निकाले बिना, ठीक है, उसे समुद्र के किनारे पे पड़े रेत पर लिखा कि आज मेरे सबसे प्यारे दोस्त ने मुझे क्या मारा है, एक चांटा मारा है। उसके बाद भी दोनों एक साथ नहर पर टहलते रहे। कुछ समय के बाद समुद्र में भाटे के कारण क्या हो जाता है, जल का स्तर कम होने लग जाता है। ठीक है, समुद्र में तूफान को कम देख के दोनों क्या चलते हैं, वहाँ पे नहाने का फैसला लेते हैं। मतलब कि वो फैसला लेते हैं, निश्चय लेते हैं कि हम समुद्र में जाके हम नहाएंगे, क्योंकि जो समुद्र का पानी का उतार है वो क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, समुद्र में नहाते हुए अचानक जिस दोस्त ने उसे चांटा मारा था उसका पैर क्या होता है, दलदल में फंस जाता है और वो क्या हो जाता है, डूबने लग जाता है। ये देखते ही दूसरा दोस्त तुरंत वहाँ पे छलांग लगाता है और उसे बचा लेता है और उसे पानी से बाहर निकालता है। हल्की बेहोशी के बाद जब उसे होश आता है तो वह तो उसके स्वयं को दोस्तों की बाहों में पाया देखा कि जब उसे होश आता तब वो देखता है कि वो कहाँ पे बैठा हुआ, अपने दोस्त के साथ, दोस्त की बाहों में वो लेटा हुआ है। कुछ समय के बाद जब वह अपने सहारे खड़ा हुआ तो उसके पास पड़े एक पत्र पर लिखा कि आज मेरे अच्छे दोस्त ने मेरी क्या बचाई है, जान बचाई है। ठीक है, ये देखकर दोस्त ने पूछा, जब मैंने तुझे चांटा मारा था, ठीक है, तब तो उसने उस समय तुमने रेत पर मेरा नाम लिखा था। ठीक है, क्योंकि डूबता भी वही है जिसके मुंह पे उस चांटा बचा होता है। ठीक है, तो ये कहता है कि जब दूसरा दोस्त पूछता है कि जब मैंने तेरे मुंह पे चांटा मारा, जब मैं तेरे पे मुंह पे थप्पड़ मारता हूँ, तब तो तू मेरा नाम कहाँ लिख देता है, रेत पे लिख देता है। ठीक है, ऐसा क्यों? तो दूसरे दोस्त ने बताया कि जब कोई व्यक्ति हमें दुख या कष्ट देता है तो हमें रेत पर हमें उसे रेत पर लिख देना चाहिए, क्योंकि वहाँ भुलावे रूपी लहर और हवाएं उसे मिटा देती। इट मीन उसका मतलब क्या है कि जैसे रेत से क्या होगा, आप अगर आप कुछ रेत में लिखोगे तो पानी से या फिर हवा से वो जो नाम है क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। ठीक है, परंतु जब आपने अच्छा काम किया है तो मैंने उसी पत्थर पर तराश के लिख दिया जहाँ कोई हवा या पानी उसे मिटा नहीं पाएगी। कि जब उसने अच्छा काम किया, जब उसने उसकी जान बचाई, तो मैंने उसका नाम रेत में लिखने की बजाय मैंने कहाँ लिखा, पत्थर में लिखा, ताकि मुझे हमेशा याद रहे कि मेरे दोस्त ने मेरे लिए ये इतना अच्छा काम किया है। अपने दुखों और कष्टों को रेत पर लिखना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो भी हमारे ज़िंदगी के दुख या कष्ट होते हैं उन्हें हमें रेत पर लिख देना चाहिए, और जो हमारी खुशियां हैं उसे हमें पत्थर या अपने हृदय पर तराशना सीखो।
ठीक है, अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। क्षति, क्षति का मतलब क्या होता है? नुकसान। उफान, उबाल। दलदल, कीचड़ से भरी जगह। भाटा, समुद्र के पानी में चढ़ाव का उतार। आघात, चोट। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। दोनों दोस्त कहाँ टहल रहे थे? तो अगर हमने पढ़ा है तो दोनों दोस्त कहाँ टहल रहे थे? तो समुद्र के किनारे टहल रहे थे। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की को चांटा क्यों मारा? दोनों दोस्त जब वो चाह रहे थे तो आपस में उनकी बहस आ जाती है, और बहस इतनी बढ़ जाती है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के मुँह पे चांटा मार देता है। प्रश्न नंबर थर्ड है, चांटा लगने पर दोस्त ने क्या कर? जब भी चांटा जब दोस्त उसे चांटा मारता है तो दोस्त क्या करता है? समुद्र के किनारे जो पड़ी हुई रेत है उस पे लिख देता है कि आज मेरे सबसे प्यारे दोस्त ने मुझे क्या मारा है? चांटा मारा है। रेत और चांटा पत्थर में एक दोस्त बेहोश क्यों हो गया था? क्यों हो गया था? क्योंकि उसका पैर अचानक पानी के नीचे दलदल में फंस गया था और वह डूबने लग गया था। ठीक है, उसे दोस्त को बचा लिया लेकिन वह बेहोश हो गया, कि उसके दूसरे दोस्त ने उसे बचा तो लिया था बट पानी ज़्यादा देर पानी में रहने के कारण वो क्या हो गया था? बेहोश हो गया था। क्वेश्चन नंबर फाइव, होश पर आने पर उसने क्या किया? जैसे ही उसने होश पर आया उसने पत्थर पर लिखा कि आज मेरे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई है। सिक्स है, सिक्स क्वेश्चन है, हमें इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने दुखों और कष्टों को रेत पर लिखना चाहिए, और अपने प्रति दूसरों के द्वारा किए गए कार्य, अच्छा कार्य, उसे हमें पत्थर या हृदय पर लिखना चाहिए जिसे कोई भी ना मिटा सके। अब समानार्थक शब्द है यहाँ पे, दोस्त को हम मित्र या सखा कहेंगे, किनारों को तट या कुल कहेंगे, चांटा को हम चपत या फिर थप्पड़ भी कहते हैं, पैर को हम पग पांव, भा को हम हाथ भुजा, पत्थर को हम पाहन या फिर पाथर कहेंगे, लहर को हम तरंग और उर्मी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निर्देशा निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार बदलिए। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि आपने वर्तमान में बदलना, भविष्य में बदलना। ठीक है, इसमें आपको ठीक है यहाँ पे पूछा गया, तो आपको आपको दिया भी हुआ है। देखो, पहला आपका था पहला आपका था कि दो दोस्त समुद्र के किनारे टहल रहे हैं, इसे आपने वर्तमान काल में है, टहल रहे थे, तो ये क्या है आपको भूतकाल में है, तो वर्तमान में क्या आएगा? टहल रहे हैं आ जाएगा, थे की जगह हम है डाल देंगे। दूसरा दो क्वेश्चन है, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई है, इसे आपने अब भविष्य काल में लिखना है, ये वर्तमान है। ठीक है, तो भविष्य में हम कैसे लिखेंगे? मेरे सबसे अच्छे दोस्त मेरी जान बचाएगा, क्योंकि अभी वो होगा। ठीक है, डूबने लगा, वह डूबने लगा, वर्तमान काल में लिखना है, वह डूब रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फोर है, इसे आपने भविष्य काल में बदलना है, तो हल्की हमारा अगर हम बात करें तो किसमें दिया? हल्की बेहोशी के साथ के बाद जब उसे होश आया तो उसने स्वयं को अपने दोस्तों के बहाव में पाया। अगर हम इसमें भविष्य में लिखेंगे तो हल्की बेहोशी के बाद जब उसे होश आएगा तो वह स्वयं को दोस्त के बहाव में पाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव है, एक के ने दूसरे के गाल पर कसकर चांटा मारा, वर्तमान में लिखे, एक ने दूसरे की गाल पर कसकर चांटा मारते हैं, एक दूसरे की गाल पर कसकर चांटा मारते हैं। ठीक है, इस पत्थर पे किस में सभी शब्द मिल गए हैं, वाक्यों में छांटकर उनके उचित वाक्य बनाओ। ठीक है, पहला है टहलना, हम शाम को बाग में टहल रहे हैं। मारना, अध्यापक ने मोहन को चांटा मारा। बचाना, मैंने अपने दोस्त को बचाया। सीखना, मैंने कार चलानी सीखी। लिखना, वह लिखता है। तराशना, वह पत्थर तराशता है। अब इसके विलोम शब्द लिखने हैं, दोस्त का विलोम क्या होगा? दुश्मन। नीचे का ठीक है, मरना का क्या होगा? बचाना। नीचे का क्या होगा? ऊपर। होश में क्या होगा? बेहोश। दुख का क्या होगा? सुख। और अच्छा का क्या होगा? बुरा। यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अब सर्वनाम भरकर वाक्य को पूरा करें। डैश, सबसे प्यारे दोस्त ने चांटा मारा, मेरे सबसे प्यारे दोस्त ने मुझे चांटा मारा। इस बार डैश पत्थर पर लिखा है, ऐसा क्यों?
इस बार तुमने पत्थर पर लिखा है, ऐसा क्यों? डैश स्वयं को दोस्त की बाहों में पाया, मैंने स्वयं को दोस्त की बाहों में पाया। फोर्थ है डैश डूबने लगा, वह डूबने लगा। पांचवा है मेरे पानी के डैश डैश पैर पानी के नीचे दलदल में फंस गया, उसका पैर पानी के नीचे दलदल में फंस गया। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर यहीं पर ही समाप्त होता है। हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन भी कर दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।